अस्सलामुअलैकुम। लो जी दोस्तों, सब खैर खरीयत आ। वादे के मुताबिक असीं अपने भरावां नूं अज फिर एक नई टैक्नीक दे नाल, नए तरीके दे नाल, नई पीको दे नाल, नई मशीन के साथ, नए डिज़ाइन के साथ सब दोस्तों के सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये मेरे सब दोस्तों को पसंद आएगी। ये मैं ना बड़ी शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपको इसका खाली बताना और सिखाने का जो मकसद यही है कि ये भाईजान इसको क्रोशिया पीको बोलते हैं। इस मशीन क्रोशिया पीको वाली मशीन है, और इस मशीन को बहुत इजी, बहुत आराम के साथ, अगर थोड़ा सा बंदा मशीन के बारे में जानता है, इसके थ्रेड वगैरह डालने आते हैं, तो आपको बड़ा अच्छे से ये आप बग़ैर सीखे आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये डिज़ाइन इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये इसकी बहुत प्यारी लुक आती है, और ये कस्टमर पसंद भी बहुत करता है। ये अगर बंदा कोई खाली ये मशीन लेके बग़ैर सीखे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेके ये पीको कर सकता है, घर में भी, अगर किसी शॉप में भी। अगर दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए, इसमें थोड़ा आपकी हेल्प की ज़रूरत ये है कि आप इसको थोड़ा लाइक करो, और अगर और कोई नया डिज़ाइन, नई मशीन के बारे में आप किसी वीडियो को देखना चाहते हैं, तो वो हम को कमेंट्स के ज़रिए बता दो। और इस वीडियो को मैं सबसे सब दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार ना इसको सब्सक्राइब ज़रूर करो, लाइक भी कर दिया करो। इंशाल्लाह आपकी हौसला अफजाई से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है, ये देखो ना कितना प्यारा लगता है। छोटी छोटी पीको, किंगरी वाली पीको, इसको क्रोशिया पीको कहते हैं, और ये बहुत पसंद करते हैं कस्टमर। ये छोटी सी लाइट सी पीको है, बहुत प्यारी, इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। अगर कोई दोस्त इसको घर में सीखना चाहता है, तो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है। ये एक मशीन ला के फैंसी पीको कर सकता है। इसके डबल नीडल का भी डिज़ाइन होता है, सिंगल नीडल का भी डिज़ाइन होता है, ठीक है। और इसको बड़े अच्छे से मेरी बहनें जो घर में काम करना चाहती हैं, वो भी चला सकती हैं, ठीक है। ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको ये दिखा रहा हूँ। इसकी ये ना कट टाइप एक पीको होती है, किंगरी वाली पीको, बारीक सी, ठीक है। ये दो धागे के साथ होती है, और बहुत आसानी से। अगर दोस्तों हमारी थोड़ी सी रहनुमाई आप कर देंगे कमेंट्स में, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आई, तो हम उसको बार बार भी समझाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा अच्छे तरीके से गौर से देख लें। मैं आपको इसकी मशीन, ये मशीन दिखा रहा हूँ, ये खाली आगे से हाथ रख के हल्का सा इसको खाली पैर दबाना मशीन का, और ये खुद ब खुद ऐटोमेटिक डिज़ाइन बना रही है। इसमें कुछ नहीं करना, कुछ सीखने का मसला नहीं है। ये क्रोशिया पीको है, ये मशीन आप गौर से देख लो, ठीक है। जिसको चाहिए वो मिल भी जाएगा।